बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। सुरभि और करणवीर के बीच लड़ाइयों का सिलसिला यूं ही जारी है। अब एक बार फिर से सुरभि और करणवीर के बीच में झगड़ा हो गया है और ये झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि सुरभि ने करणवीर से कहा, एक थप्पड़ मारूंगी ना तो सारे दांत गिर जाएंगे तेरे। दरअसल आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि बिग बॉस ने घर के सदस्यों से कहा है कि घर के सबसे बड़े अपराधी का चुनाव किया जाए जो कालकोठरी सजा पाने के लिए योग्य है, और इसी प्रक्रिया के दौरान सुरभि करणवीर का नाम लेती हैं और कहती हैं कि करणवीर ने सोमी सभा और सृष्टि की फाइट के दौरान जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था, इसलिए मैं उसका चुनाव करती हूँ। तो इससे करणवीर को गुस्सा आता है और वो कहती है, यार क्या डबल स्टैंडर्ड बात करती है ये लड़की। तो इस पर सुरभि को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें कहती है कि भी आप करते होंगे ऐसा, मैं नहीं करती, आप तो इस तरह से रिएक्ट करें जैसे मैंने पता नहीं कितनी नीच हरकत कर दी हो। केवी कहते हैं, सुरभि मैं आपको बता दूं, ये वाकई नीच हरकत है। तो सुरभि कहती है, केवी यू आर अ फेक पर्सन। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। किचन एरिया में झगड़ा यहाँ तक बढ़ जाता है कि सुरभि केवी से कहती है, अगर गुर्दा है ना तो इधर आ, यहाँ पे मुझसे बात कर। और जब रोमिल केवी को समझाते हैं कि भाई ये मामला यही शांत कर, तो सुरभि गुस्से में बोलती हुई आती है, यार रोमिल कैसे कैसे के मुंह लगते हो, स्टैंडर्ड वाले लोगों के मुंह लगा करो ना यार, ये क्या चिंदी चोर के मुंह लग रहे हो। इस पर केवी को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, क्या चोर बोला मुझे, मुझे चोर बोला। तो सुरभि कहती है, हाँ तुम्हें चोर बोला, अब बोलो। और ये बड़बड़ाते हुए वो वहाँ से चली जाती है और आगे जाकर कहती है, एक थप्पड़ मारूंगी ना तो यहीं पे सारे दांत गिर जाएंगे इसके, पड़ाया मुझसे पंगा लेने वाला। और ऐसे ही इन दोनों के बीच का ये झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।